जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं आज फिर जल्दी उठ गया, नींद नहीं आ रही थी। मौसम में थोड़ी ठंडक है, हल्की सी ठंड का एहसास हो रहा है, और पूरी रात हो गई बारिश पड़ते पड़ते। कल लगभग 7:30 या 7 बजे से पानी पड़ना शुरू हुआ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश कम हुई है। और जब बरसात जाने का समय है तब बरसात लगी है हमारे यहाँ। देखिए बहुत लेट बारिश हो रही है, 12 तारीख से कंटिन्यू बरस रहा है अपने यहाँ तो लगातार। 2 दिन रात में बरसा, फिर कल पूरे दिन बरसा, और आज भी बरसा। अब सब कुछ अगर ठीक रहा तो मैं परसों को आपको मिल रहा हूँ काशी विश्वनाथ में, रिजर्वेशन कराने जाऊँगा। आप प्रे कीजिएगा सीट मिल जाए मुझे, मेरी सीट क्लियर हो जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं इस समय बैठा हुआ हूँ अपने जिम में, मैं दिखा दूँगा आपको, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। एक मशीन मैंने ये लगाई हुई है, ये मेरी विंक्स की है, विंक्स और शोल्डर के लिए। और ये मेरी बेंच है जिसमें बैठा हुआ हूँ, सारी रॉड है मेरे पास सब टाइप की। एक मशीन पीछे लगी हुई है, वो आर्म्स के लिए है मेरी। और ये मैंने म्यूजिक सुनने के लिए FM लगाया हुआ है। अभी चला के देखता हूँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पहले एडजस्ट करना पड़ेगा कौन सा बैंड बजेगा कौन सा नहीं बजेगा, FM के अंदर ये समस्या होती है। मेरा अपना मानना ये है शुरू से कॉलेज टाइम से कि आप जो भी कुछ करें बड़ी शिद्दत से करें भाई। आप किसी भी फील्ड से अटैच हो, किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो आप, चाहे एजुकेशन से, चाहे गेम से या अदरवाइज, तो बड़ी शिद्दत से करें और ईमानदारी से करें आप, बाकी उसके हाथ में है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो परिणाम भी उसके जो है आपके अनुरूप ही होंगे और सकारात्मक होंगे। और मैं जब तक चल रहा हूँ जब तक मैं आपको घुमाता रहूँगा, बाकी भाई इच्छा है भोलेनाथ की। आने वाले समय में क्या होगा, गर्त में क्या छुपा हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। आप जो भी करें बड़ी शिद्दत से करें, मैंने आपको पहले बोला। और देखिए कहावत है कि गधा पहलवान खुदा मेहरबान, तो मैं खुद को गधा मान के चलता हूँ भाई, पता नहीं ऊपर वाला कब मेहरबान हो जाए। तो मेरा काम है कर्म करना, और सनातन धर्म में कर्म जो है वो सर्वोपरि है, प्रथम है, तो इसलिए मैं करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ उठापटक मेरे साथ लगी रहती है। मैं बाहर दिखा दूँ आपको, अभी हल्का हल्का बारिश हो रही है, छत पे नहीं गया ऊपर आज में, क्योंकि हल्का सा हवा चल रही है, ठंड हो रही है, फिर बारिश पड़ रही है। और इस समय जब वेदर चेंज होता है ना तो तबीयत ख़राब होने का पूरा पूरा खतरा रहता है स्वस्थ लोगों की भी। मेरे साथ तो वैसे ही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको पानी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है अभी हल्का हल्का। पहले चलो FM बजा के देखता हूँ क्या आता है FM में। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बंद कर देता हूँ। पहले वो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। डंपल मेरे ये रखे हैं, चलो बाहर चलते हैं हम लोग अब। और मेरी माता जी ने देखो कितने सारे पेड़ लगाए हुए हैं मेरे यहाँ, ये देखो आप, छोटी सी जगह में पूरा बगीचा बना रखा माने मेरी, ये देखो। और बारिश पड़ रही है, देखो हल्की हल्की बूंदे गिर रही हैं अभी। यहाँ भी पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं गया बारिश की वजह से। और अब जाना है रिजर्वेशन कराने स्टेशन, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ आज, जिस रूम में मैं हूँ ये मेरा पर्सनल जिम है। मुझे जिम करने का शौक शुरू से है, जब से मैं ठीक था। अब बहुत सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है मैंने, देखो। और जिम मेरा, एक्सरसाइज मैंने बंद की लास्ट ईयर जुलाई में, लगभग 1 साल 2 महीने हो गए। और अभी 6 महीने तक तो मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं एक्सरसाइज करूं, मुझे शौक है, जुनून है ये करने का, और फिर शुरू करूंगा। देखते हैं दर्द कब ख़त्म होता है, कब शुरू होती है। आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ, चलो। और ये है मेरा बेडरूम
स्टडी रूम कंबाइंड है सब कुछ, इसमें लगभग होगा 13x16 का रूम है मेरा। देखो वहाँ मैंने होम थिएटर लगाया हुआ है, सुबह को मुझे भजन सुनने का शौक़ है इसलिए अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ मेरी बुक्स रखी हुई हैं, फिलहाल जब से चश्मा लगा है अभी पढ़ना छोड़ रखा है 2 महीने से मैंने, आई साइट वीक हो गई थोड़ी सी। और मेरा सिंगल बेड और क्या दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ और है, ये जो है देखो ये शंकर जी के पास में ये तीर कमान मैंने बनाया था, ये बनाया था लॉकडाउन में, ये इसका तीर। ये देखो ये बनाया गया था लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ भाई, मेरा अपना मानना ये है कि लगे रहिए, बस कुछ ना कुछ उठक पटक होते रहनी चाहिए, जीवन में स्थिरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थिर जो पानी होता है ना, ठहरा हुआ पानी, वो भी गंदा हो जाता है, तो पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। तो बस आप भी निरंतर बहते रहिए, कुछ ना कुछ बाकी भोलेनाथ की इच्छा है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। अब तैयार होते हैं और चलते हैं स्टेशन, देखते हैं सीट है या नहीं है। अब बस भगवान भोलेनाथ रिजर्वेशन करा दें, फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ 18 तारीख में काशी विश्वनाथ के, भोले की नगरी जहाँ मृत्यु भी उत्सव करती है, तो मैं आज्ञा चाहूँगा। और हाँ मैंने कल आप लोगों से कहा था कि थोड़ा लाइक और शेयर की आप गिनती बढ़ाइए, तो उसका थोड़ा सा प्रयास हुआ है मेरे कहने का। और जो मेरे ब्लॉग पे नए हों वो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें आप, जिससे जो मेरी आने वाली वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब खुश रहें, सब मस्त रहें, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।